हेलो स्टूडेंट, जिस चीज का सब पेरेंट्स को बच्चों को इंतजार था, आज फाइनली वो डेट सीट आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th और क्लास 12th की डेट सीट आ गई है। आज देख लीजिए डेट 29 दिसंबर 2022। अब देखिए एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्लास 10th के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट में स्टार्ट, वैसे तो एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 15th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, बट 15th फेब से वो वाले सब्जेक्ट जैसे कि पेंटिंग एंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम जनरली कहते हैं उनका स्टार्ट हो रहा है, और जो मेन सब्जेक्ट के एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए 17 फ्राइडे को क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। और आगे को बढ़े जब तो फर्स्ट, उसके बाद ये ऑप्शनल एक लैंग्वेज होता है, सारे लैंग्वेजेस का है, ऑप्शनल लैंग्वेजेस का, एंड देन अगेन उर्दू बंगाली, ये सारे ऑप्शनल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। एंड पहला जो हम देखने में आ रहा है वो है 27 फरवरी को, और आपका इंग्लिश पेपर है 27 को। उसके बाद सीधे से बात करें तो मेन एग्जाम है 27 के बाद डायरेक्ट साइंस 4 मार्च, जो बच्चों के लिए सबसे, मतलब मैं जिसमें बच्चों को टेंशन होती कि मेरे को कुछ लिखना है, और जिसके लिए बच्चे सबसे साल भर ट्यूशन का यूज करते हैं, वो है आपका 4 मार्च को। और कितने दिन की गैपिंग है ये भी लगा लीजिए, फरवरी कितने जाएगा, 22 है तो 29 जाएगा, ठीक है, तो 29 जाएगा। 28 को आपका पेपर, ये आपका पेपर रहा 27 फरवरी को। 27 के बाद आपको 28 29 आपको मिल रहा है, 28 29, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 डेज गैप मिल रहे हैं। कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, इसको पूरा अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये केवल साइंस का मतलब, यहाँ पे फिजिक केमिस्ट्री बायो सारे आपको अलग अलग देखना है। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, आई थिंक ये भी ऑप्शनल होता है, बट बच्चों के, कुछ बच्चों का मेन सब्जेक्ट में काउंट करते हैं कि हमको इसमें अच्छे मार्क्स लाने, वो आपका 13 को है, इसमें आपको अच्छी गैपिंग मिल रखी है। उसके बाद सोशल साइंस, 15, जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है उनके लिए गैपिंग अच्छी है, डायरेक्ट 15 को आपका पेपर होगा। एंड हिंदी जिनका है 15 के बाद 16, ओनली 1 डे का गैप है, तो ऐसा मत समझिए कि हिंदी इजी है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो इसको भी अभी से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जो लास्ट है 17 के बाद मैथ्स, कितने दिन है, 18 19 20, ओनली 3 डेज, तो जिसके लिए आप साल भर ट्यूशन पढ़ते हैं तो इस पेपर को भी अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें केवल 3 दिन की गैपिंग है, तो मैथ्स पे भी फोकस करें। अब आते हैं क्लास, और आपका जो लास्ट एग्जाम है 21 मार्च को आपकी एंड हो जा रहे हैं पेपर, तो आज से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आपके पेपर जो मेन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 27 से, और फरवरी एंड लास्ट इज 21 मार्च। अब करते हैं बात क्लास 12th की, बिजनेस जो अकाउंटेंसी वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर, जिन्होंने ऑप्शनल इंटरप्रेन्योरशिप ले रखा है 15 फेब को, पहला ही पेपर, पहला दिन, अच्छे के साथ इंट्रोडक्शन, इंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो जिस एम के साथ, तो आज पेपर के लिए भी कुछ नया करके दिखाएंगे। सेकेंड जो मेन सब्जेक्ट है इसमें अभी ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने ले रखा है उनके लिए है, बाकी तो ये ऑप्शनल ही है। बायोटेक्नोलॉजी पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए, अदरवाइज ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हिंदी, जिन लोगों ने ले रखा होगा उनका एग्जाम होगा 20 फेब को उसके बाद। एंड डेटा साइंस आजकल बहुत सारे बच्चे लेते हैं, तो डेटा साइंस का आपका 21 है, आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आपका 22 सेकेंड को। एंड नेक्स्ट म्यूजिक जिनका है हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड दिस वन, ये 23 फरवरी को है। हेल्थ केयर कॉस्ट अकाउंटिंग जिनकी है उनका भी 23 को होगा। 24 को मेनली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मेन पेपर जो है वो आपके 24 फेब से हैं। 24 फरवरी को आपका इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर्स का रखा है। उसके बाद सेकंड सीधे देखें तो साइंस वालों के, उसके बाद केमिस्ट्री पेपर 28 को, तो 25 26 एंड 27, ओनली 3 डेज गैप, हाउ मेनी डेज, 3
3 डेज। अब कितना करना है देख लीजिए, ऐसा नहीं है अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका ज्योग्राफी वालों के लिए पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है 2 मार्च को, इसमें गैपिंग अच्छी है। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ओके नेक्स्ट। इसमें जो हमको देख रहा है इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स कब है 6 को, और केमिस्ट्री का आपका है 28 को, तो 28 29 जाएगा, 29 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 डेज आपको फिजिक्स मिलने हैं। अच्छे डेज हैं, 6 डेज में अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका, बट केमिस्ट्री में 3 डेज हैं। ओके नो प्रॉब्लम, केमिस्ट्री में हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके बाद सारे ये क्या लैंग्वेजेस हैं, जिसने लैंग्वेजेस ले रखी है एक्स्ट्रा, ये लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद आपका सीधे आता है 11 को, 6 को फिजिक्स है, 11 को मैथ्स है, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स लेके मैथ्स, तो आपको मिलना है 7 8 9 10, 4 डेज ओनली, 4 डेज। देखिए मैथ्स में भी ओनली 4 डेज मिल रहे हैं, तो मैथ्स भी आपको करनी है। एंड जिनका फिजिकल एजुकेशन होगा, जिनका मैथ्स भी होगा फिजिकल एजुकेशन, उनको केवल 1 डे का गैप मिल रहा है, ज्यादा डे का गैप नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि फिजिकल फिजिकल एजुकेशन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। आपको 100 मार्क्स करने हैं तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन। और जिनका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छा गैपिंग है, जिनका मैथ्स नहीं है, ठीक है ना। उनका सीधे किसके बाद, फिजिक्स के बाद सीधे बायोलॉजी हो जाएगा 16 को, यानी कि 10 डेज अप्रोक्सीमेटली गैपिंग, अच्छी गैपिंग मिल रखी है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स है, जिनके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी की जगह जिनके पास क्या है इकोनॉमिक्स भी लेते हैं बच्चे ऑप्शनल में, तो इकोनॉमिक्स का आपका 17 को है। और जो कॉमर्स वाले हैं उनका तो मेन सब्जेक्ट ही होता है, ह्यूमैनिटीज का मेन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस 20th ऑफ मार्च, देन आईटी का पेपर 21, एंड देन नेक्स्ट आ जाओ कंप्यूटर साइंस 23rd, जिन्होंने सीएस ले रखा होगा उनका पेपर लगभग लगभग यहाँ एंड हो जाएगा साइंस स्ट्रीम का। बिजनेस स्टडीज आपका 25th ऑफ मार्च, हिस्ट्री 29, अकाउंटेंसी, कॉमर्स वालों के पेपर लास्ट लास्ट में है, लास्ट में है, तो बिजनेस का 25th को, 25th के बाद 31 को, अच्छा गैपिंग है, 6 दिन का गैपिंग, 5 6 दिन का गैपिंग है। एंड देन सोशोलॉजी 3rd ऑफ अप्रैल आई थिंक, एंड द लास्ट वन उर्दू इलेक्टिव, ये सारे के हैं टेक्सटाइल। और जो सबसे लास्ट पेपर जा रहा है साइकोलॉजी, आई थिंक लास्ट ईयर भी सबसे लास्ट पेपर साइकोलॉजी था, 5th ऑफ अप्रैल। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग काउंट डाउन स्टार्ट हो गया आज से, क्योंकि देखें तो एग्जाम जो स्टार्ट हो जा रहे हैं वो कब से हो जा रहे हैं, 15th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, और अब आपके पास दिसंबर एंड है, आज 29 हो गया, 2 3 दिन इस महीने के बचे हैं, आप 1 2 दिन आप नए साल में काट देंगे, ऐसा मत कीजिए। अब आपके पास केवल और केवल 45 डेज हैं, समझ लीजिए 45 डेज, कितना प्रिपरेशन करना है, इसी बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सारे कुछ होंगे। अब आपको बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़नी होगी। ऑल द बेस्ट सबको, प्लीज देख लीजिए अपना अपना पेपर।